Hello friends, my name is AM. Welcome back to our channel A. So guys, hi Allah. My name is Mobile. So guys, आज हम दोबारा रिक्वेस्टें पूरी करेंगे और जिसमें कई धमकियां गेज हमें मैसेज आए थे वो भी हम पूरी करेंगे. तो आज जो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट पूरी करने लगे हैं वो हैं इक्का. हाँ जी, ये है इक्का इंटरव्यू सॉन्ग है और ये रिक्वेस्ट हमसे की थी मंदीर साहब. हाँ, मंदीर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और वेरी वेरी सॉरी आपकी रिक्वेस्ट लेट हो गई है, मगर आज हम फाइनली पूरी कर रहे हैं. आपने हमें कहा था मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा. तो हमारे लिए हर जो व्यूअर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर आपको बताऊँ कि रिक्वेस्टें इतनी ज़्यादा हैं कि हम 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर भी नहीं सकते हैं और उस वजह से डिले होती रहती हैं और नई से नई और नई से नई और नई से नई आती रहती हैं. तो इसलिए सॉरी आपको. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहेंगे सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें. सो गाइस, तो बिना देरी किए सबसे पहले हम सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद फिर मजीद आपसे बातचीत होगी. सो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग. 3, 2, 1 स्टार्ट. वैसा था मेरा कल, ऐसा है मेरा आज. कुछ दिए खोल मैंने, कुछ रखे राज, कुछ रखे राज मैंने, कुछ रखे राज मैंने, कुछ रखे राज हाँ, कुछ रखे राज. वैसा था मेरा कल, ऐसा है मेरा आज. कुछ दिए खोल मैंने, कुछ रखे राज, कुछ रखे राज मैंने, कुछ रखे राज मैंने, कुछ रखे राज. बचपन में शरारती, पढ़ाई में कमजोर था, अपने घर में चोरी करता, छोटा मोटा चोर था. चोरी करके लेता मैं कॉमिक्स और खिलौने था. माती बड़ा मारती और काम मेरा रोना था. पिताजी पी कर आते रोज शराब, अच्छी खासी नहीं थी कि जिंदगी खराब. रोज की लड़ाई माँ बाप की मैंने होते देखी. कमरा बंद करके माँ अपनी मैंने रोती देखी. अंडा फट्टी कल्ली जोटा लट्टू बाज पूरा था. देखता था कार्टून मैं उसके बिन दिन न अधूरा था. दोस्त यार घर से बात देर रात रहता था. यही मेरे भाई लोग उनसे मैं ये कहता था. कई बार बदला घर मेरे यार दोस्त छूट गए. टिंकू के साथ जो सपने देखे वो सारे टूट गए. नई जगह नए दोस्त, रास नहीं आती थी. एक दिन अच्छा आएगा ये माँ मुझको समझाती थी. रोज था मैं सोच काश होता इसकी उसकी तरह होती गाड़ी. एक पालतू कुत्ता और एक घर बड़ा. 8वीं में फिर घर वालों को बोला मैं पास है. 2 साल बोला झूठ का, 9वीं में क्लास है. पकड़ा गया घर वालों का नाम बदनाम किया. लानत है मेरी जिंदगी, ना कोई अच्छा काम किया. हाँ, ना कोई अच्छा काम किया. ये वैसा था मेरा कल, ऐसा है मेरा आज. कुछ दिए खोल मैंने, कुछ रखे राज मैंने, कुछ रखे राज मैंने, कुछ रखे राज हाँ, कुछ रखे राज. वैसा था मेरा कल, ऐसा है मेरा आज. कुछ दिए खोल मैंने, कुछ रखे राज, कुछ रखे राज मैंने, कुछ रखे राज मैंने, कुछ रखे राज. फिर आया मेरी जिंदगी में हिप हॉप, बाकी सब डूब गई. यही थी अकेली होप, गरीब था कर 2-4 हज़ार के लिए प्रमोशन जॉब. नकली पहने फुगुरो का वेयर मैंने शॉन जॉन. वॉकमैन जेब में हेडफोन्स कानों पर, करता ये अकेला परफॉर्म है एमिनम के गानों पर. दिया मेरा साथ जिसने वो थी मेरी बड़ी बहन. मेरी थी कहानी जैसे 50 सेंट का मैनी मैन. रिलेटिव सारे चलते थे, प्यार ना कोई करता था. जितनी भी थी मुश्किलें सामना मैं करता था. पर मिला लिल गोलू, उसने मिलवाया रफ्तार से. हम तीनों का था क्रू और यही सच्चे यार थे. स्टूडियो में जाते थे, धक्के रोज खाते थे. काम नहीं बनता था, खाली हाथ आते थे. उम्मीद पे थे कायम हम, लगा डाला सारा दम. फिर भी ना बात बनी, जितना किया उतना कम. एक दिन हनी सिंह ने नोटिस किया हमको. भाई ने स्टूडियो में बुलाया हम सबको. मिले भाई से तो पता चला हम थे कितने बड़े. वो नो भी दिखाई भाई ने हमें वीडियो जब बादशाह की. हम पर किया काम, दिए नाम हम तीनों को. सबके मुंह बंद था शक, जिन जिन को भाई ने बनाया हमें. माफिया मुंडी देखी हमने, साथ में एक बड़ी तस्वीर. फिर हुआ कुछ ऐसा, मैंने छोड़ दिया क्रू. ये नहीं बताऊंगा कि छोड़ा मैंने क्यों. हाँ, छोड़ा मैंने क्यों. ये मैंने कुछ रखे राज, कुछ रखे राज. ऐसा है मेरा कुछ दिए
फिर मिला एरियस उसने मिलवाया गौरव जी से मुझे गौरव जी ने पूछा कि क्या बनना चाहते हो क्या चाहिए तुझे मैंने बोला कि मुझको बनना रैपर है सब ठीक ठाक मुझको बनना सबसे बेटर है निकाला गाना 922 सूरत मेरी टीवी पर आई सोचा अब हो गई यारों की फुल चढ़ाई पर क्या पता मुझको अभी स्ट्रगल कितना बाकी है एक गाना आना भार बिल्कुल भी ना काफी है फिर मिले GSL मुझे पाजी उन्होंने बनाया इक्का को इक्का से मिस्टर हांजी मैं फैन भगत सिंह लिरिकली नॉमिनेट दिलजीत इक्का GSL पंजाब किया डोमिनेट आज गाड़ी भी है पालतू कुत्ता और एक अच्छा घर है पिताजी का पीना दारू अभी तक कल है मम्मी पापा खुश क्योंकि उनके बेटे का नाम है आज अपनी मेहनत से जीता मैंने पहला इनाम है ये थी मेरी कहानी सब में कहीं ना कहीं एक इक्का है ये उम्मीद मेहनत हाँ let's go yeah okay repeat वैसा था मेरा कल ऐसा है मेरा आज कुछ दिए खोल मैंने कुछ रखे मैंने कुछ रखे राज कुछ रखे राज ऐसा है मेरा कल ऐसा है मेरा आज कुछ दिए खोल मैंने कुछ रखे मैंने कुछ रखे राज तो गाइस तो ये सॉन्ग था और जिसमें बताया गया है कि उन्होंने अपना पहले बताया गया है कि मैं स्टडी में लाइफ स्टोरी को बताया गया है और ऐसा बहुत कम होता है जो अपनी नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और जिसमें उन्होंने रिस्पेक्ट किया है जोजो हनी सिंह रफ्तार और बादशाह और JSL जिन्होंने उनको हेल्प आउट किया जब वो अपने स्ट्रगलिंग पॉइंट में थे तो हमें इतना समझ आया बाकी हमारे व्यूअर्स माशाल्लाह इतने जीनियस और इतने माशाल्लाह हार्ड वर्किंग हैं कि वो हमें खुद ही सर्च आउट करके बता देते हैं हमें खुद ही बता देंगे कि जी आपको ये नहीं पता अपनी वो नहीं पता आप बैठे क्यों हुए हैं आप बुत हैं आप ये हैं आप वो हैं आप पागल हैं आप लोग पागल हो आप लोगों को पता नहीं है आप बैकग्राउंड में क्यों गए आप उन सिंगर के घर में क्यों नहीं गए वो खाते क्या है हाँ। वो क्यों नहीं पूछा वो कितने बजे वॉशरूम जाते हैं आपको वो क्यों नहीं पता तो वो सब कुछ हमें हमारे फैन बता देते हैं तो थैंक यू सो मच हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्शन वो जो भी यानी कि प्रेजेंट है गाने को कहा जाता है कि मौसीकी रूह की गज़ा हम गाना सुनते हैं मुझे अच्छा लगा मैंने 10 बार सुना 20 बार सुना लेकिन ये नहीं देखना कि उसे पीछे क्या मुझे गाना अच्छा लग रहा है पसंद है टैट सेट दो महीने के बाद मुझे कोई और गाना पसंद आएगा फिर मुझे कुछ और आएगा कुछ होते हैं जो लाइफ टाइम यानी कि वो गोल्डन सॉन्ग होते हैं जो एवरी टाइम सुनते हैं और जिस तरह आप किसी जिस तरह मूवीज आती है खान्स का शाहरुख खान मैं जिक्र करूंगा सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान जो काफी टाइम से 90s से आ रहे हैं सिनेमा में अब आप उनकी एक मूवी देखने जाएं आप कहेंगे जी ये मूवी तो मैं देख लूंगा पहले बैकग्राउंड देखूं फर्स्ट मूवी कौन थी सेकंड में देखा मैं पूरा रिकॉल नहीं सेकंड पहले मैं पूरा रिकॉल करेंगे तो पूरी आई थिंक जो आप मूवी देख रहे हैं वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी जो प्रेजेंट है उसमें जीना सीखें बैकग्राउंड दूसरों की लड़ाई और पंगों में हम नहीं पढ़ते फ्यूचर चलता है पास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए जो गुजर गया वो गुजर गया बिल्कुल पीछे तो, बैठ के उसको रोना अब जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं मैं भी ये कहती हूँ बच्ची ये सलमान खान की मूवी है ये शाहरुख की मूवी ये बहुत अच्छी होगी ये नहीं देखा कितनी फ्लॉप हुई है शाहरुख की कितनी फ्लॉप हुई कितनी हिट हुई किन किन एक्ट्रेसेस के साथ आया क्या बैकग्राउंड था हम इतनी हिस्ट्री नहीं देखे अब जिस तरह एक सॉन्ग आया जीरो मूवी का शाहरुख खान और सलमान खान आपका पता है आपको इन दोनों की लड़ाई हुई थी बहुत अरसा रही है अब वापस आए हैं तो बस हम सॉन्ग को देखेंगे सॉन्ग को एंजॉय करेंगे जिस तरह जो पर्टिकुलर सॉन्ग के मेरे को हम ना उनके अब जी घर जाके रहना पीना और हर जी हर भाई लड़ाई हुई थी क्यों हुई थी बताओ
तो वापस आते हैं अपने सॉन्ग की तरफ। हमने बहुत ज्यादा अपनी भड़ास निकाल ली है, तो इस सॉन्ग में उन्होंने अपना पूरा बैकग्राउंड बताया है कि जी मैं बचपन में था, चोरियां करता था, बिल्कुल पढ़ाई में नहीं था अच्छा, और बिल्कुल हर कोई अच्छा काम किया ही नहीं। उसके बाद फिर अपना कदम रखा हिप हॉप फील्ड में और वहां पे भी पहले स्ट्रगल करते रहे, फिर रफ्तार जो है उन्होंने नई रफ्तार ने वापस आके की थी, फिर जो जो हनी सिंह जो है वो लेके गए और बादशाह की वीडियो दिखाई बिल्कुल, तो अपनी पूरी स्ट्रगल बताई। इससे यही वही चीज है जिस तरह हमें रिएक्शन देना नहीं आता, सब कुछ नहीं आता। आप हर सॉन्ग सुने, हर कामयाब बंदे के पीछे एक उसकी बहुत हार्ड लाइफ है और किसी को सब पहले कुछ भी नहीं पता होता, हमें भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। देखने का जो मजा है वो आपके साथ ही आता है, बाद में देखने का तो फिर तो एक सीक्रेट चीज होगी। स्क्रिप्ट तो बंदे में कुछ भी आप करके दे दो, वो तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और जाने से पहले आपको कहना चाहेंगे, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, और जिनको हमारी वीडियो देखे गुस्सा चढ़ा है तो गुस्सा नहीं चढ़ा, तनकीद आई है, तनकीद आई है, गुस्सा आया है तो आगे नहीं, बहुत शुक्रिया भी आप इतनी एफर्ट करते हो, हमें इतना बताते हो। बिल्कुल नहीं, हमारी वैसे इन्फॉर्मेशन में इजाफा ही होता है, मतलब हमें आगे फ्यूचर के लिए ना हमें चीजों का पता चल जाता है, लेकिन उसमें तीन चार चीजें और पुट अप हो जाएंगी फ्यूचर में। ध्यान देखते हैं, बैकग्राउंड पे नहीं जाते, तो आपको ये सॉन्ग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जाने से पहले आपको कहना चाहेंगे सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो गाइस हंसते रहे मुस्कुराते रहे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय।